नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वस्तुओं का वर्गीकरण। वस्तुओं की जो प्रकृति है वो मांग को प्रभावित करती है। मांग को प्रभावित करने के कारण से मांग का नियम और मांग की लोच वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो पहली जो वस्तु है हमारे सामने वो है अनिवार्य वस्तुएं। तो अनिवार्य वस्तुएं कौन सी है? मानव के गरिमामय जीवन के लिए अति आवश्यक वस्तुएं। मानव की गरिमामय जीवन कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो मानव के गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक हैं? तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान, ये मानव की गरिमा के लिए आवश्यक है। मानव जीवन का जो गरिमामय जीवन है उसके लिए अति आवश्यक है। अब चूंकि ये अति आवश्यक वस्तुएं हैं, अति आवश्यक वस्तुओं की जब हम मांग की लोच के आधार पर जब विश्लेषण करेंगे तो ये मांग जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं इनकी प्रवृत्ति जो होती है ये कीमतों पर मांग का प्रभाव कम पड़ता है। कीमत वृद्धि और कमी से मांग में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रभाव अनिवार्य वस्तुओं पर नगण्य पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये मानव के गरिमामय जीवन के लिए अति आवश्यक वस्तुएं हैं। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनकी मांग की लोच जो होती है वो बेलोचदार होती है। दूसरा, आरामदायक वस्तुएं। वे वस्तुएं जो मानव की कार्य क्षमता में वृद्धि करती हैं। यद्यपि ये वस्तुएं अनिवार्य नहीं है, आरामदायक वस्तुएं जो कंफर्टेबल गुड्स हैं ये अनिवार्य नहीं है, किंतु यदि ये मनुष्य के पास, व्यक्ति के पास है तो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, उत्पादकता बढ़ जाएगी। अब चूंकि ये आरामदायक वस्तुएं हैं तो इनकी जो मांग की लोच है वो इकाई के बराबर होती है। इनमें साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, लग्जरियस कार, बड़ी कार नहीं छोटी कारें, चप्पलें, जूते, ये सभी आरामदायक वस्तुएं, बिजली, पंखा, कूलर, आरामदायक वस्तुएं, इनसे मानव की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ये मानव के लिए आवश्यक नहीं है, इनके बिना जो आरामदायक वस्तुएं हैं इनके बिना मानव मर नहीं जाएगा, किंतु यदि ये मनुष्य के पास हैं तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। विलासिता की वस्तुएं, लग्जरियस गुड, मानव की समाज में गरिमा बढ़ा देती हैं। वे वस्तुएं जो समाज में मानव की गरिमा में वृद्धि करें वे वस्तुएं विलासिता की वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाता है। अब विलासिता की वस्तुएं दो प्रकार की, एक तो है हानिकारक और दूसरी है हानि रहित विलासिता की वस्तुएं। हानिकारक विलासिता की वे वस्तुएं होती हैं, हानिकारक, जिससे मानव के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये सभी ऐसी वस्तुएं हैं जिससे मानव के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। दूसरी विलासिता की वस्तुएं हैं वे वस्तुएं जो हानि रहित विलासिता की वस्तुएं, जैसे सौंदर्यवर्धक, महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, एसी, ये सभी क्या है? हानि रहित। रत्नाभूषण हानि रहित, इनसे मानव के शरीर को कोई हानि नहीं होती है, और यदि ये व्यक्ति उपभोग करता है तो समाज में उसकी गरिमा बढ़ जाती है।
तो मानव की गरिमा बढ़ाने वाले। अब इस प्रकार की जो वस्तुएं, विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं, इनकी मांग की लोच इकाई से अधिक और अनंत के बीच में होती है। चौथी वस्तु है जीवन रक्षक वस्तुएं, जो लाइफ सेविंग गुड्स हैं। मानव जीवन की रक्षा जो कर रही है वस्तुएं, वो चाहे दवाइयां हो, वैक्सीन हो, वे सभी वस्तुएं जो मानव जीवन की रक्षा करने के लिए आवश्यक हैं, जीवन रक्षक वस्तुएं कहलाती हैं। और इस प्रकार की वस्तुओं की मांग की लोच प्रायः पूर्णतया बेलोचदार होती है, अर्थात इस प्रकार की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने का और घटने का अत्यधिक नगण्य प्रभाव पड़ता है। दवाइयां, यदि वस्तु की जो दवाइयों की कीमत यदि बढ़ जाए, तो डॉक्टर ने कहा था कि सुबह शाम दोपहर एक एक गोली, तो हम दो दो गोली नहीं खाएंगे। और यदि दवाइयों की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाए, फिर भी चूंकि हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, तो डॉक्टर ने कहा है कि सुबह शाम दोपहर एक एक गोली, तो हम उस वस्तु को क्रय करेंगे जबकि कीमत उसकी बढ़ गई है। इसी प्रकार से ये वैक्सीन, तो जीवन रक्षक वस्तुओं की मांग की लोच प्रायः पूर्णतया बेलोचदार होती है। मांग की लोच का अच्छी तरीके से विश्लेषण करने के लिए वस्तुओं के वर्गीकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। धन्यवाद।